खबर आपको दें, वज़ीरे आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल हो गया है। इस्लामाबाद वापस जाने के लिए जमान पाक से एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। वज़ीरे आज़म ने दिन भर मसरूफ दिन गुजारा और वज़ीरे आला पंजाब से भी मुलाकात की। वन ऑन वन और सियासी सूरत हाल के साथ साथ मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीरे आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा था लाहौर का, जो कि अब मुकम्मल हो गया है और इस्लामाबाद वापस जाने के लिए जमान पार्क से एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। वज़ीरे आज़म सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए हैं। वज़ीरे आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आए थे। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसाम अजमल से। हसाम, बताइएगा वज़ीरे आज़म का आज एक रोज़ा दौरा था लाहौर का, कैसा मसरूफ़ दिन गुजारा उन्होंने? बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो लाहौर दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब पहुंचे थे और यहां से अभी जमान पार्क से वो रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट की तरफ और खसूसी तैयारा जो है उसके ज़रिए वो इस्लामाबाद जाएंगे और उन्होंने तकरीबन 7 घंटे लाहौर में गुजारे। इसमें इन 7 घंटों में उन्होंने खासा जो है वो सियासी मसरूफियत वाला वक्त गुजारा और वो उनका जो आज बेसिक मकसद था आने का लाहौर में, वो शेल्टर होम जो है रेलवे स्टेशन के पास, उसका जो है वो उन्होंने संगे बुनियाद रखा। जो लोग सड़क के ऊपर पनाह लेने पे मजबूर हैं उनके लिए जो है वो बकायदा संगे बुनियाद जो है वो रख दिया गया है लाहौर रेलवे स्टेशन के पास। और इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वन ऑन वन मुलाकात की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और इसके अलावा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से जो है वो मुलाकात की, जहांगीर तरीन से मुलाकात की वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म ने आज, बहुत शुक्रिया आपका हज़ाम अजमल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।